भावना यादव जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं मिलिट्री डेयरी फार्म मेरठ कैंट से आई हूँ। तो आपको यहाँ ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आने का क्या कारण है, क्यों आए हैं आप यहाँ? हमारा यही कारण है सर, हम इतने सालों से 30-32 सालों से हम लोग यहाँ पे जो है संविदा पे लगे हुए हैं और जो है नौकरी कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड ने यहाँ पे, पहले हमारे ससुर करते थे, दो पीढ़ियाँ हमारी बीत चुकी है यहाँ पे। और सर हमें एकदम से ये कह दिया गया है कि 2 महीने बाद जो है अब ये फार्म 14 अक्टूबर को ये बंद कर दिया जाएगा। सर ऐसे में बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, रहना है, हमारा घर हमारे पास है नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं है, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अचानक से किसी भी इंसान से ऐसे कह दिया जाए तो बताइए अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? आपको ये बोला कि 2 महीने बाद हम इस फार्म हाउस को बंद कर देंगे, आपको कोई नोटिस इस तरीके से कोई आपको ज्ञापन या किस तरीके की सूचना दी? नहीं सर, हमें कुछ नहीं दिया गया। इसी बात का हमें दुख है कि जो चीज़ हमें मतलब होना चाहिए वो हमारे साथ जो है उस तरह से होना चाहिए था कि हाँ भाई ये रूल है, इस तरह से हमारे साथ होना चाहिए था, हमें वो कुछ नहीं दिया गया। हमें ये पता चल गया है कि 14 अक्टूबर को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा और आप लोग जो है कुछ भी करो, हमें नहीं पता। ये आपको किसने बोला कि 14 अक्टूबर को हमसे बंद कर देंगे? हमें जी पता चल रहा है, हमारे जो है नेता जी हैं नंदू यादव जी हैं, वहाँ से हमें पता चला है और हर जगह से हमें पता भी चल रहा है, हर जगह से पता चल रहा है, न्यूज़ पेपर में आया है। दिया था कि हमारा मिलिट्री डेयरी फार्म 14 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, उसके बावजूद भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। अभी कम से कम 32 साल हो गए मेरे हस्बैंड को वहाँ जॉब करते हुए, अब उसमें बताइए हम कहाँ लेकर जाएं? बच्चों की पढ़ाई है सब कुछ है, किसी के 3 साल पढ़ाई के रह रहे हैं, किसी के 2 साल, हमारे तो बच्चों की पढ़ाई सारी बर्बाद है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे टोटल वहीं के तैयार हैं, हम क्या करेंगे? आपके हस्बैंड आए यहाँ पर? मेरे हस्बैंड नहीं आए मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी पे हैं। तो आपके कितने बच्चे हैं? सर 3 हैं। 3 हैं? हाँ। लड़का लड़की? सर 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। जो आपने जो स्कूल के अंदर बच्चों का जो नाम लिखाया है वो क्या फार्म हाउस का या दूसरी जगह का है? नहीं सर, सर बाहर है, बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, फार्म हाउस में मतलब कि जो एड्रेस वगैरह सब है वैसे प्राइवेट पढ़ते हैं, बाहर जो पढ़ते हैं। यहीं आई, यहाँ पे हमारे बच्चे हुए तो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहीं के होंगे सर, लेकिन हम इस बात से बहुत दुखी हैं, हम क्या करें, अपनी जान दे दें, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इतने दुखी है कि हम मर जाएंगे बस, अब हम बहुत हार चुके हैं सर, हम बस। मैडम आपका नाम? मेरा नाम लता राघव। लता रानी जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं मेरठ मिलिट्री फार्म से आई हूँ। तो आपके यहाँ आने का क्या कारण है, आपको कौन लाया यहाँ पर, क्यों आई हो आप? इसीलिए आए, मोदी सरकार जी ने कहा कि तुम्हारा फार्म बंद हो रहा है, इस सरकार ने कहा कि आपका फार्म बंद हो रहा है। हाँ जी, 2 महीने का समय दिया है कि ये 15 अक्टूबर को बंद किया जा रहा है। अब बताइए, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ, मेरे 4 बच्ची हैं, 1 बेटा है, 4 बच्ची हैं, मैं उन बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ बताओ? मैं सुबह से शाम तक डेयरी फार्म में ही काम करती हूँ, मिलिट्री फार्म में, सुबह से कम 200 टोकरी गोबर की सर पर उठा के और हम ट्रॉली भरते हैं, जिन्हें हम 2-2 आदमियों का काम अकेले लेडीज करती है, तब भी हम कभी चुनकारा नहीं भरे, लेकिन अब हम कहाँ जाएं, हम घर से बेघर हो गए। तो जो फार्म हाउस के अंदर जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं आपको? वो अधिकारी कुछ नहीं कहते, वो अधिकारी कह रहे हैं हमारे ऊपर से ऑर्डर है, मतलब हमारे ऊपर से ऑर्डर है। आइए और जानकारी लेते हैं कि इनके साथ में जो इस समय विडम्बना है, बहुत ही ज़्यादा दुखी पीड़ित हैं, आंखों में आंसू देखने में आ रहे हैं, आइए और जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? विमलेश। विमलेश, हाँ, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण आपके आने का? हम ये आए हैं क्या, सन 2000 में मेरे पति खत्म हो गए थे जी। हाँ, डेथ हो गई थी, 4 बच्चे थे मेरे पे, मैंने आकर सन 2000 से यहाँ काम किया है, 16 साल हो गए मेरे को काम करते करते, 16 साल हो गए, बड़े संट के दिन काटे हैं मैंने बहुत, और कितना कितना गोबर, 100-100 गायों का गोबर उठाया है मैंने, ट्रॉली भरी है मैंने, और कुछ नहीं कहा मैंने, मैंने ये है मेरे संकट के दिन कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे सब कट जाएंगे, पर मेरे तो संकट के दिन और आगे बढ़ गए, जो क्या संकट के दिन कट जाएंगे, आज ये कह दिया कि घर को जाओ, मुझे नौकरी भी नहीं थी, अब जो है नौकरी जो थोड़े से आदमी करे भी हैं तो उनके मुंह देख देख के कर दिया, मेरे को किसी ने नहीं पूछा। वहाँ जहाँ आप काम करती हैं, वहाँ के जो अफसर हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों को? मैं यही कहती चली आई कि सर कब कर रहे हो कुछ, कब कर रहे हो, करेंगे, ये दिलासा देते चले आए मेरे को, और हाँ अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप जाइए। सर आपका नाम? सर मैं धर्मराज, मिलिट्री फार्म त्रिजवाल प्रोजेक्ट, BRU।
और मेरठ से हैं जी। सर मैं जो है हमें जो है 1995 से 1995 से काम कर रहा हूँ सर, CLTS में हूँ और अभी तक जो है हमें कुछ हमारा कुछ भी नहीं हुआ सर। और हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें जो है आगे जो है निकाला जा रहा है और हम कहाँ जाएंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, आगे हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो है हम यहाँ धरने पे आए हैं कि मोदी सरकार से जो है कुछ मांगें, कुछ कहें, कुछ सुने मोदी सरकार। और जो है आगे कहते हैं कि जो है कि बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके उस पर उदाहरण देते हैं। लेकिन जो है कि आज हमारे पास तीन लड़कियाँ हैं और जो है अब जो है हमारा स्थिति यह है कि हमारी लड़की शादी करने लायक हो गई हैं और हम कहाँ जाएंगे। ये हमारा जो है उपदेश है, ये हमारा जो है मांग है कि मोदी जी मिलिट्री फार्म को बचाएं और हमारा सबको जो है उद्धार करें कि हमें जो है परमानेंट करके या जो है कहीं भेजें या कहीं जो है वो करें, हमारा सबका इंतजाम करें, मिलिट्री फार्म गाय को बचा करके कुछ भी करके हमें जो है नौकरी दिलवाएं। बहुत ही दुख की बात है जब नेता चुनाव लड़ते हैं, अच्छे अच्छे आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे लिए पेंशन का करेंगे, हम आपको घर देंगे, दुकान देंगे, मकान देंगे, लेकिन जो देश के अंदर जो रक्षा का काम करते हैं और जो फार्म हाउस है, मिलिट्री फार्म हाउस, जिनके अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, जिनका पूरा जीवन उसी में गुजर गया और आज तक उन्होंने अपनी मांग को नहीं मांगा और आज इस भ्रमना के साथ में ये जंतर मंतर पर आए हैं, जो फार्म हाउसों को बंद करने जा रहे हैं। अभी कुछ महिलाओं ने जो बताया कि हम विधवा हैं और हमारे चार लड़की हैं, इस तरीके की काफ़ी सारी महिला यहाँ पर हमारे बीच में है जिनकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं और बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे शादी लायक हो गए, हम उनकी शादी कैसे करें, हमारा पूरा जीवन तो मिलिट्री फार्म हाउस के अंदर गुजर गया। इन सब चीज़ों को लेकर एक तरफ भारत सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां सारी रोड पर आके गुहार कर रही हैं कि हमारे साथ में क्या होगा और हम क्या करेंगे। और कुछ महिलाओं ने ये बोल दिया, देखो आंखों के अंदर इस तरीके के आंसू झलक रहे हैं कि इनको क्या करना क्या नहीं करना, आज भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जब इनसे वोट भी लिया और इन्होंने पूरा जीवन मिलिट्री फार्म हाउस के अंदर दिया तो इनके बारे में सोचना होगा, ये ऐसा मानना। और जो इनके जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इनके साथ में जो एक गुहार लेकर आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो लोग फार्म हाउस के अंदर काम करते हैं, जिनकी बेवाएँ, उनको नौकरी दी जाए, उनको फार्म हाउस को बरकरार किया जाए। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल। कारण कि ये जितनी एजेंसियां यहाँ काम करती हैं ये शरीर के गले के ऊपर का हिस्सा है, कान है, आंख है, मुंह है। तो मेरी इन एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बात यहाँ हमारी बात सरकार तक इस तरीके से पहुँचाएं कि महसूस हो कि वाकई यहाँ लोगों में कोई ना कोई तकलीफ है जिस वजह से लोग दुनिया से सारे हिंदुस्तान के इकट्ठे होके आए हैं। और डिपार्टमेंट
के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार किसी भी काम को करने के लिए उसकी बहुत पहले से प्लानिंग कर लेती है। कोई अगर पुल बनाना है तो उसकी एक पहले नेसेसिटी अप्रूव होती है, नेसेसिटी अप्रूव होने के बाद में उसकी फंड अलॉटमेंट होती है, फिर फंड अलॉटमेंट के बाद में उसकी कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तब जाके काम शुरू होता है। तो ये प्लानिंग बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए जितनी जल्दबाजी की जा रही है, गायों के बारे में बता दिया, वहाँ भेज दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यहाँ आने का मकसद एक ये भी है कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो आदमी इससे जुड़े हुए हैं इतने इतने सालों से, उनका परिवार, उनका सब कुछ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30-30, 40-40 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर गुजार दिए हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि दूसरी जगह जाके कहीं काम कर सकें।